गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर कंटिन्यूइंग आवर सेकेंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी ऑफ क्लास सिक्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. सो फर्स्ट वी सी द शॉर्ट इंट्रोडक्शन. एज वी नो फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट द शेप ऑफ आवर प्लैनेट्स अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर. इट इज स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल्स एंड बगड एट द इक्वेटर. दिस बग एट द इक्वेटर इज ब्लू टू द सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड फोर्स कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ. द पोलार डायामीटर ऑफ द अर्थ इज 44 किलोमीटर shorter than the equatorial diameter of the earth. So first we come to know about the globe. Practically we consider the shape of earth as spherical. A globe is the small spherical model of the earth. See, agar hum practically dekhte hain aur hum hamare earth ka मॉडल तैयार करते हैं तो हम उसको स्फीयर का शेप देते हैं. और नॉर्मली हमारा जो ग्लोब होता है, जो अर्थ का सैंपल हम जो सॉफ्ट सैंपल रखते हैं उसको, उसका भी हम क्या देखते हैं तो वो मॉडल भी स्फीयर में ही बना होता है. द वर्ड ग्लोब कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस मीनिंग स्फीयर. सो तो कैसे अर्थ के मॉडल को ग्लोब का नाम दिया गया है? वो जो ग्लोब वर्ड है वो कहाँ से आया हुआ है? वो एक लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है ग्लोबोस. उसका मतलब है स्फीयर. इसके लिए उसका नाम क्या ग्लोब रखा गया है. इट कैन बी डिफरेंट टाइप एंड साइज सच एज बिग ग्लोब विच कैन नॉट बी कैरिड ईजली. ग्लोब्स डिफरेंट डिफरेंट साइज एंड शेप्स में पाए जाते हैं. एक बहुत बड़े ग्लोब्स होते हैं जो कि ईजिली नहीं कैरी किए जा सकते हैं. एक पॉकेट ग्लोब होते हैं जो काफ़ी ईजिली कैरी हो जाते हैं. और ग्लोब लाइक द बलून्स विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड कैरिड विथ ईजली. और कुछ बलून के शेप तक के ग्लोब्स होते हैं जो कि नॉर्मली हम हमारे स्कूल कॉलेज वगैरह में देखते हैं कि सैम्पल स्टडी के लिए होता ही है. और ग्लोब इज अ माउंटेड ऑन अ स्टैंड अलॉन्ग विद इट्स एक्सेस. ग्लोब्स को एक स्टैंड पर खड़ा किया गया रहता है उस एक्सेस के थ्रू. द स्टैंड इज टाइटल बाय 23.5 डिग्री इन द वर्टिकल डायरेक्शन बिकॉज अवर अर्थ इज एग्जैक्टली टाइटल इन द सेम वे. सी जो ग्लोब्स को अगर हम आप देखेंगे तो उसको जिस तरीके से स्टैंड पर हैंडल किया गया रहता है वो 23.5 डिग्री क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में होता है. ऐसा क्यों है? क्योंकि नॉर्मली हमारा अर्थ भी जो सोलर सिस्टम में है वो लिटिल बिट इसी डायरेक्शन में क्या है, बेंड हुआ है. दिस एक्सेस इज इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेड. इस एक्सेस को क्या कहा जाता है, इमेजिनरी लाइन कहा जाता है, जिसके थ्रू क्या अर्थ क्या होता है इसी के डायरेक्शन में क्या होता है, रोटेट होता रहता है अपने प्लेस पे. द इम पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ इट आर कॉल्ड द पोलर. सी तो जो अर्थ का एंड पॉइंट है, जहाँ पे एंडिंग होता है अर्थ का, उसको पोल के नाम से जानते हैं. द नॉर्थन एंड ऑफ द एक्सिस टूवर्ड द पोल स्टार आर कॉल्ड द नॉर्थ पोल. सी नॉर्थ की साइड, अगर हम टॉप साइड पे जाते हैं अपने नॉर्थ साइड के जो पोल हैं उसको नॉर्थ पोल के नाम से जाना जाता है. उसी के ऑपोजिट साउथ साइड का जो होता है उसे साउथ पोल के नाम से जाना जाता है. द अर्थ रोटेट काउंटर क्लॉक वाइज फ्रॉम वेस्ट ऑफ द वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सेस. जो अर्थ है वो कैसे रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है. देयर इज द अनदर हॉरिजोंटल इमेजिनरी लाइन बिटवीन द पोल विच डिवाइडेड द अर्थ इंटू अ टू इक्वल हेमिस्फेयर्स. दिस इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द इक्वेटर.
सर्कल के बीच में, दोनों पोल के सेंटर में, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पोल के सेंटर में एक लाइन जाती है जो अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। उस लाइन, इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इसके डिवीजन से दो स्फीयर्स रेडी होते हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द साउथन हेमिस्फीयर। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू द लोकेटेड प्लेस ऑन द अर्थ। ये इमेजिनरी इक्वेटर लाइन का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है अर्थ पर। द नॉर्थ हाफ द पार्ट इज कॉल्ड द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द साउथ हाफ इज कॉल्ड द साउथन हेमिस्फीयर।